पूज्य स्वामी शिव चिदानंद जी, डॉक्टर रामतार शर्मा जी, श्री चंद्रशेखर जी, मिस सविता शर्मा जी, कपिल देव जी, लेकिन कपिल देव शायद देख नहीं रहे मुझे अभी, कपिल देव जी, श्री एके सिंह जी, श्री सुशील गर्ग जी, श्री एस सी पांडा जी, महंत भोला गिरी जी, स्वामी नक्षत्र नक्षत्रानंद जी, डॉक्टर पी एस एम राव और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बहन। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डिवाइन लाइफ सोसाइटी का और इसके आयोजक मंडल का, जिन्होंने आज का इतना महत्वपूर्ण विषय चुना कि अध्यात्म का क्या रोल है विकास और शांति में। और दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आके बोलने का निमंत्रण दिया और मौका दिया। मैंने बिजनेस के ऊपर लेक्चर बहुत दिए, 1000 से ज्यादा लेक्चर दिए, लोगों को बताया कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस के फायदे क्या होते हैं, और बिजनेस करने से पहले उनके गोल सेट किए, विजन सेट किए, मिशन सेट किए। और मैंने देखा कि जो हमारे देश में जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का मतलब ये माना जाता है कि हम एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करें, अच्छा बिजनेस चालू करें और उससे देश का विकास होगा, उसी से समाज का विकास होगा और उसी से उस व्यक्ति और उसके परिवार का विकास होगा। तो हमारा ध्यान जब भी हमने विकास की बात की तो गया कि हम अपना व्यापार कैसे बढ़ाएं। मैं महेश शेरवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे डिवाइन लाइफ सोसाइटी से जोड़ा। जुड़ने के बाद मैंने स्वामी जी की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और उनकी पुस्तक में से एक शब्द मुझे, एक वाक्य मुझे याद आता है जो मैं यहां बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम दिव्य हैं, तो हम अपनी दिव्यता को प्रकट करें और हम अपने जीवन के हर क्षण, हर रोज जो भी कार्य करते हैं उसमें अपनी दिव्यता को, अपनी दिव्यता का बिखराव करें, मतलब उस पर बिखराएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम भगवान में निवास करते हैं, भगवान हम में निवास करते हैं, तो हमारे और भगवान से निकट का संबंध इस संसार में हमारा अन्य किसी से नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से नहीं हो सकता। सबसे घनिष्ठ संबंध हमारा हमारे और भगवान के साथ होता है। तो फिर प्रश्न ये हुआ कि दिव्यता, कि हम अपनी दिव्यता को कैसे पहचाने या ये कैसे महसूस करें कि हम दिव्य हैं। जब तक हम अंदर से महसूस नहीं करेंगे कि हम दिव्य हैं तो हम अपनी दिव्यता को फैलाएंगे कैसे। तो इसके बाद मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी स्वामी जी की लिखी हुई, और मैंने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी बिजनेस कैसे करते हैं, मैंने कोशिश की इन दोनों का मेल करते हैं, तभी पता लगेगा क्या अध्यात्म का कोई रोल है विकास में, देश के विकास में या समाज के विकास में। तो मैंने जब उन दोनों का संगम किया तो मैंने पाया कि हर मनुष्य के जीवन में 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम जो हम सब लोग सांसारिक आयाम जिसे बोलते हैं, व्यवहारिक आयाम जिसे बोलते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, अपने लोगों के साथ संबंध रखते हैं, समाज के साथ, परिवार के साथ, देश के साथ। दूसरा होता है अध्यात्म, कि हम लोग अपने आप को, कुछ लोग पूर्ण रूप में, कुछ आंशिक रूप में समर्पित करते हैं अध्यात्म की तरफ, कि हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। तीसरा आयाम जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है वो है इन दोनों का बैलेंस। हम लोग जब व्यापार में लगे होते हैं तो भूल जाते हैं कि अध्यात्म नाम की कोई चीज है, और कई बार जब हम अध्यात्म में लग जाते हैं तो हम व्यवहारिकता भूल जाते हैं, फिर हम सबसे अपने संबंध काट लेते हैं और कहीं दूर जाके अध्यात्म करने लगते हैं, पूजा पाठ में अपने आप को समर्पित कर देते हैं और हमारा व्यवहार सभी लोगों से कट जाता है, हम किसी से भी संपर्क में नहीं रहते। तो ये दोनों आयाम विकास और शांति के लिए ठीक नहीं है। तीसरा आयाम दो इन दोनों को मिक्स करके बनता है कि जब हम व्यापार, बिजनेस या नौकरी करें या कोई भी काम करें, हम शिक्षा ग्रहण करें, हम स्टूडेंट के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्यापारी के रूप में व्यापार करते हैं,
और नौकरी जब हमें कहीं नौकरी करनी होती है तो नौकरी के रूप में अपना समर्पित करते हैं सब कुछ, जिससे जिस व्यवसाय जिस कंपनी या जिस भी एनजीओ या जिस भी कार्य के लिए हम नौकरी करते हैं उसको पूरा करें, पूर्ण रूप से करें। तो जब हम ये सब करते हैं तो अध्यात्म हमारे दिमाग में नहीं रहता। और मैंने ये पाया कि अगर अध्यात्म हमारे देश में हो तो हमारे देश में इतने कानूनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज जब एक व्यापारी व्यापार करता है तो हमारे देश में इतने तरह के कानून बनाए गए कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप अपने एम्प्लॉय को इतना पैसा देंगे, उनका पीएफ काटेंगे, ईएसआई काटेंगे, उनको ग्रेच्युटी देंगे, उनको मेडिकल रिलीफ देंगे, और साथ में आप अपनी सोसाइटी का ध्यान रखेंगे, अपने प्रॉफिट का इतने परसेंट चैरिटी में लगाएंगे, अपने प्रॉफिट का इतने परसेंट से ये चैरिटी करेंगे जिससे समाज आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि यदि स्वामी जी के बनाए हुए अध्याय हमारे बिजनेस स्कूल में पढ़ाए जाएं तो और लोगों को अध्यात्म आ जाए, अध्यात्म का मतलब है कि हम जो भी कार्य करें अपने पूर्ण विवेक से करें। कई बार हमारे यहाँ जो हमें शुरू से सिखाया गया कि जो भी कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की मर्जी से होता है, तो उसको हम इस रूप में भी ले लेते हैं कि यदि मेरे अंदर खराब आदतें हैं तो ये तो भगवान की मर्जी थी तो मेरे अंदर खराब आदतें हैं, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। यदि मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, या मैं किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा हूं तो ये भगवान ने मुझे ऐसी ही शिक्षा दी तो मैं क्या करूं। ये बात गलत है। भगवान ने हम सबको कार्य करने के लिए दिया, लेकिन उसने बोला अपने विवेक का प्रयोग करना है, अपने विवेक को हर क्षण जो भी कार्य करें, रोज कार्य करें, उस समय अपने विवेक से जरूर पूछना है कि ये कार्य आवश्यक है कि नहीं है, ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, इस कार्य का एडवांटेज किसको है, मेरे को है, मेरे परिवार को है, मेरे समाज को है, मेरे देश को है, या पूरे ब्रह्मांड को है, पूरे संसार को है। तो विवेक का इस्तेमाल अगर हम सही करना सीख जाएं, या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं जैसे कि कोई भी कोई कार्य करता हो तो हम बहुत जल्दी से बता देते हैं कि व्यक्ति गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहे, या इसमें क्या क्या गलतियां हैं। यहां तक कि अगर मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री या मान लीजिए अमेरिका के प्रधानमंत्री कुछ करते हैं तो हमारे यहाँ पे आठवीं पास बच्चा या बिल्कुल अनपढ़ इंसान भी बताता है देखो उन्होंने ये गलती की है। यदि यही दृष्टि आप अपने ऊपर डालें और इसी दृष्टि से आप अपने आप को देखने लगे और हर क्षण देखें कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, अगर आप अपने आप को क्रिटिकल लिहाज से देखना शुरू करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप देखेंगे कि आप जिस भी व्यापार में हैं उसमें दुगनी चौगुनी चारगुनी तरक्की करेंगे। जिस भी नौकरी में हैं आप तो आप देखेंगे कि आपके नौकरी में बहुत जल्दी प्रमोशन होंगे और आपको सेटिस्फेक्शन होगा, और साथ में यदि आप छात्र हैं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके अव्वल नंबर आने शुरू होंगे क्योंकि आपको अपना गोल पता लग जाएगा। यदि हम हर क्षण अपने विवेक का सहारा लेते रहते हैं तो वो हमें रोकता है कोई भी गलत कार्य करने से। यदि हम गलत कार्य ना करें, देखिए एक बड़ा सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि हमारे देश में कभी ऐसा होता था कि दो तीन व्यापार घराने होते थे, हम बोलते थे टाटा है व्यापार करता है, बिरला व्यापार करता है, ऐसे कुछ घराने हुआ करते थे। अगर हमारे देश में सारे घराने जो व्यापार करते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो व्यापार किस लिए कर रहे हैं, आप उनसे पूछोगे तो बेशक बताएंगे वो कि परिवार में सबसे पहले मैं अपने भरण पोषण के लिए करता हूं, उसके बाद अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूं, फिर मैं समाज को देखता हूं और फिर मैं देश को देखता हूं। आप देखते होंगे जो भी भाषण देता है वो कहता है तो देश के लिए कर रहा हूं, मैंने देश के लिए इतना उत्पादन किया, मैंने देश के लिए इतना एक्सपोर्ट किया, मैंने देश के लिए इतनी फॉरेन करेंसी कमाई। तो आप जब भी कुछ कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी कर रहे हैं, अपने देश के लिए भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ अपने विवेक का प्रयोग करके करें और अपने व्यापार को पारदर्शिता से करें और उसमें कोई भी खोट ना हो या किसी का कोई नुकसान ना हो तो आप देखेंगे समाज का पूरा ख्याल रखें तो हमारा देश आज जहां भी हो तो विश्व में हमारा देश सबसे आगे होता। हमारे देश के कण कण में अध्यात्म बसता है, हमारे को शुरू से शिक्षा दी जाती है कि अध्यात्म क्या है। लेकिन हमारी जो मानव प्रवृत्ति है वो जैसे ही हम किसी भी बिजनेस में आते हैं या जब हम स्कूल में होते हैं, जैसे ही मौका मिलता है तो हम वो सारी बातें भूल के अपने विवेक को अपनी जेब में रखते हैं और जो गलत कार्य जो भी आगे उन्हें मार्ग दिखाई देता है जिसमें उन्हें आनंद महसूस होता है उस तरफ चल पड़ते हैं।
जैसे स्वामी जी ने कहा है कि मार्ग में हमेशा दो मार्ग मिलते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं या कुछ भी करते हैं, चाहे व्यापार करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे अध्यात्म करें, एक रास्ता कठिन दिखता है बहुत और लगता है इस पर चलना कठिन है, दूसरा बड़ा आसान दिखता है और मजा आता है कि इसको करेंगे तो आदमी आसान वाले रास्ते को अपना लेता है। उस समय उसका विवेक काम नहीं करता क्योंकि अपने विवेक का वो प्रयोग ही नहीं कर रहा। तो यदि आप व्यवसाय करते हुए या नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए या अध्यात्म करते हुए, अध्यात्म करते भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जप करते हुए, पूजा करते हुए, अगर आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे तो आप उसमें जरूर सफल होंगे और सफल होने के साथ साथ ही आप अपने लिए, अपने समाज और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जैसे कि मैं आज देख रहा था ये अपना जो ये अपनी शारदा पीस फाउंडेशन है, जो संस्था है, इन्होंने अपना विजन सेट किया। इन्होंने कहा बच्चों को, जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ते या जिन्हें मौका नहीं मिला, उन्हें एक एजुकेशन देंगे। और ये बच्चों का मैं अभी प्रोग्राम देख के इतना प्रसन्न हुआ, इतना अच्छा लगा कि ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों को, जो डिप्राइव्ड बच्चे थे, इन बच्चों ने अपनी एजुकेशन ली, इनको एजुकेशन भी मिल रही है और ये इतना अच्छा प्रोग्राम दे पा रहे हैं। अगर इसी क्षण इनको सिखाया जाएगा कि विवेक का कैसे प्रयोग करते हैं, इसी क्षण इनको सिखाया जाएगा कि कैसे जब भी वो लाइफ में आगे बढ़ें तो अपने विवेक का जरूर प्रयोग करें और कुछ भी करें तो अच्छे बुरे को देखें विवेक से, तो ये बच्चे ही कल आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छी पदवी पे जाएंगे और हमारे देश का और समाज का उद्धार करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप बहुत लंबा लक्ष्य सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं यही धन्यवाद करते हुए आप सब लोगों को फिर से स्वागत करता हूं और बोलता हूं कि आप स्वामी जी की लिखी हुई कुछ पुस्तक जरूर पढ़ें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप पाएंगे अपने आप में एक नया इंसान। धन्यवाद।